Dear children, good morning. We have to discuss in a previous class जो chapter हमने देखा कि economic effect of the British rule, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो rule चल रहा था इंडिया में उस टाइमिंग में जो है किस तरीके से affected थे Indian peoples economically, socially, हर तरीके से affected थे, क्योंकि उनकी जो policies थी वो इस type की policies थी कि लोग उन चीज़ों को क्या कर नहीं कर पा रहे थे, adopt नहीं कर पा रहे थे. सो दैट्स वाई ये रीज़न रहा उसका. इसीलिए जो है रिवॉल्ट की कंडीशन भी देखने को मिलेगी हमें आगे चल के. बट हमको भी इस चैप्टर में बस इतना देखना है कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उनके पॉलिसीज़, उनके रूल रेगुलेशंस या जो रूल कर रहे थे उनसे इंडियंस किस तरीके से इफ़ेक्टेड हुए. ओके, तो हमने देखा कि इफ़ेक्ट ऑन द सोशल लाइफ, किस तरीके से सोशल लाइफ इफेक्ट हुई थी, जो सिस्टम था उन्होंने किस तरीके से चेंजेस किया था, जो रेवेन्यू कलेक्टर जो थे, है ना, जो कलेक्ट करते थे ना कलेक्टिंग रेवेन्यूज, तो उन्हीं पर्सन्स को उन्होंने एक जॉब डिसाइड की थी. जो लोग टैक्सेस कलेक्ट करते थे, लैंड या रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उन्हीं को क्या बनाया, कलेक्टर जॉब दे दी थी. उसको क्या किया था, कलेक्टर. जो आज के टाइम में हम लोग IAS ऑफिसर की बात करते हैं ना, वो कलेक्टर ही होता है, उसको हम लोग कलेक्टर जनरली बोला जाता है. IAS मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. ये इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट होती है. ओके, नाउ द पॉलिसीज ऑफ सोशल रिफॉर्म बाय द कंपनी मेड पीपल्स फ्यू इनसिक्योर एंड द सस्पिशियस. दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड द रिलीजन फॉर एवर. पीपल्स बिलीव्ड दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वॉज undermined in the railways and the military. An order was passed in Agra that every Indian had to salute the British. If it was not done, it was considered a crime and was liable for punishment. As a result, there was a widespread sentiment for anger and hatred for the British among the Indians. It means जो social life थी किस तरीके से इफेक्ट हुई थी कि जो ब्रिटिशर्स थे जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, जो इंडियंस के जो रिलीजन था, कल्चर था, उसको चेंज कराने का, यानी कि वो क्रिश्चियनिटी क्या करना एडॉप्ट, मतलब वो जो इंडियन का जैसे कोई हिंदूज में से बिलोंग करता है, कोई मुस्लिम से बिलोंग करता है, कोई मतलब जैनिज्म से बिलोंग करता है. ओके, तो वो जो थे ब्रिटिशर्स वो किस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे थे, वो फोर्स कर रहे थे कि जो रिलीजन है उसको चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, किस में, क्रिश्चियनिटी में. तो लोग इस चीज़ के लिए अपोज थे. अब भाई हमें आपको कोई क्या बोला जाए कि आप अपना रिलीजन चेंज कीजिए, तो रिलीजन जो अपना चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब फ्रीडम होती है इंडियंस को कि कोई भी अपना मतलब रिलीजन भी चेंज कर सकता है, कोई नहीं भी कर सकता है, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा. बट ब्रिटिशर्स कैसा था कि नहीं, सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्रिश्चियनिटी में. ओके, क्लियर. तो इस तरीके से वो फोर्स भी कर रहे थे. और नेक्स्ट था उसमें कि अगर ब्रिटिशर्स अगर कहीं से निकल के जा रहे हैं तो उनको इंडियंस क्या करते थे, सल्यूट करते थे. अगर जिसने सल्यूट नहीं किया उनको क्या करते थे, वो पनिश्ड करते थे. क्या करते थे, पनिशमेंट देते थे. ओके, तो एक तरीके से ये इनका भी गुस्सा भरा हुआ था कि भाई इस तरीके से जो मतलब एक्सप्लोइटेशन देखने को मिल रहा है हमें, किसका, ब्रिटिशर्स का, जो इंडियन पे एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, वो ऐसी ही पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके ऐसा करना है, वैसा करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरीके की कुछ पॉलिसीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. ओके, तो अब इंडस्ट्रीज और ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ. द हैंडलूम्स ऑफ इंडियन सप्लाइज टेक्सटाइल टू द मार्केट ऑफ एशिया एंड यूरोप. द ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज यूज टू कम टू इंडिया टू परचेज द कमोडिटीज. द इंडियन मेड जूट, सिल्क, वूलन एंड कॉटन टेक्सटाइल वर इन हाई डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट. द सॉफ्ट एंड द डेलिकेट मुस्लिन ऑफ डाका वॉज वर्ल्ड फेमस
apart from textile commodities such as saltpeter, sugar, etc., were exported in the exchange of tremendous amount of bullion, यानी कि gold and silver. यानी कि ये क्या करते थे, देखिए आपको मैं बताऊँ कि इंडिया में जो है जूट और कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता था, ओके प्रोड्यूस करता था इंडिया में, मतलब इसकी एग्रीकल्चर क्रॉपिंग की जाती थी. लेकिन जो अगर हम देखें यूरोपियन मार्केट में जो कॉटन क्लोथ्स और जूट क्लोथ्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो वो लोग क्या करते थे यूरोपियन कंट्रीज़ के, ये इंडिया में आकर के कमोडिटीज़ को परचेस करते थे और उनके बदले में गोल्ड और सिल्वर लोगों को देते थे, ओके. और वो यहाँ से ले जा करके वो क्या करते थे, यहाँ इंडिया से परचेस करेंगे और इंग्लैंड ले जा के बेचते थे. तो इस तरीके से लोगों का एक वो था, तो जिससे क्या है कि भाई यहाँ से उन चीज़ों को सस्ते दामों में परचेस करके और वहाँ महंगे दामों में खरीदेंगे, मतलब बेचते थे. तो इस तरीके से लोगों का वो होता था, इंडियन मतलब ट्रेड करते थे, तो उससे अदर पर्सन भी जो है क्या होने लगे, इफेक्ट होने लगे, ओके. द होल सीनरीज चेंज्ड एज द ब्रिटिश रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड. द फ्लो ऑफ द बुलिंग यानी गोल्ड एंड सिल्वर गॉट द रिजर्व इन द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. द ब्रिटिश टुक 500 crore rupees एज पर टूडे स्टैंडर्ड ओनली फॉर द बंगाल ड्यूरिंग द रूल. जस्ट इमेजिन द वेल्थ, वेल्थ द ब्रिटिश वुड हैव अक्यूमुलेटेड फ्रॉम द होल कंट्री. यानी कि अगर हम देखें तो उनके पास एक रिजर्व फॉर्म में बहुत सारा मतलब गोल्ड और सिल्वर था, जो क्या करते थे जो भी चीज़ें कमोडिटीज परचेस करते थे उनके बदले में गोल्ड सिल्वर देते थे. मतलब पहले जो चलता था वो कैसा सिस्टम चलता था, गुड्स के बदले सिल्वर यानी कॉइन्स का यूज़ होता था. आज के टाइम में हम लोग देखेंगे करेंसीज का यूज़ होने लगा, लेकिन पहले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स चला करते थे, उन्हीं का यूज़ होता था, ओके. तो मतलब कॉइन्स तो बाद में आए लेकिन गोल्ड सिल्वर भी यूज़ किया जाता था. तो इंडिया क्या करते थे, कमोडिटीज़ के बदले में गोल्ड और सिल्वर को देते थे इंडियंस को, ओके. हालांकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं था गोल्ड और सिल्वर, मतलब उनकी जो रेट थी इतनी प्राइसेस थी उनकी इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका एक मतलब वैल्यू रहता था, ओके. इट इज़ नॉट ए सरप्राइजिंग टूडे टू टॉक अबाउट द लेक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज. फाइंड आउट द फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ द 1000 rupees 50 rupees एगो 50 years एगो. Why were coins larger in size in those days? मतलब वही मैंने आपको बताया, वही है कि मतलब आप अपने ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर से आप कंसल्ट करिए, बात करिए, उनसे पता करिए कि जो पहले उनकी जो वैल्यू होती थी कॉइन्स की, आज के टाइम में आप सुनते होंगे 10 lakhs 20 lakhs 10 crore 1 crore 30 crore. तो जो पहले छोटा सा अमाउंट होता था लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, ओके. आज के टाइम में देखेंगे कि बड़ा अमाउंट है लेकिन कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं है, ओके. तो इस तरीके से तो विद द हेल्प ऑफ द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस इन द इंडिया एंड द मनी कलेक्टिंग फ्रॉम द इंडिया द बिजनेस एंड द इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड प्रॉस्पर्ड. द माइल्स स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग. द क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंग्लैंड वॉज इम्पोर्टेड इन इंडिया विदाउट द लिविंग एनी ड्यूटी ऑन इट्स इट्स वेर इज देयर वर टैक्सेस अप टू द 80% ऑन the clothes manufacturing in India. As a result, textile made in the Indian becomes costlier in the Indian market itself. The Indian handicraft and the cottage industry could not be withstand and the competition and they could not sustain themselves. Many skill based industries of our country like a textile industry, glass, papers, minerals, shipbuilding, etc. got the rent due to the policies of the British. Lakes of the skilled workers become the unemployed gradually. The poor workers of the rural area of Indian become poorer. It means इसमें जो बताया उन्होंने ये बताया कि जैसे हमने बात की थी कि पहले वो क्या करते थे गोल्ड्स के बदले में मतलब कमोडिटीज़ परचेस करते थे. यहाँ पे इंडिया में जो है कॉटेज इंडस्ट्री छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जो कि बनाती थी
और वो लोग परचेस करते थे बहुत महंगे दामों में, मतलब सिल्वर पहले प्रोवाइड करते थे वो, क्या मतलब दे देते थे, प्रोवाइड नहीं मतलब देते थे उनके बदले में क्या गोल्ड और सिल्वर, तो महंगी खरीदने लगे। पर धीरे धीरे जब उन्होंने क्या किया और जब उनको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होने लगी थी इंग्लैंड पर्सन्स को, यानी कि ब्रिटिशर्स लोग हैं, ओके, तो उन लोगों ने क्या किया इंग्लैंड में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करवाई थी और इंडिया में आकर के वो रॉ मटेरियल को परचेस करते थे सस्ते दामों में, और इंग्लैंड में उसको क्या करते थे, मतलब स्टार्टिंग में महंगे दामों में परचेस कर रहे थे इंडियन से क्लोथ्स या कमोडिटीज़, ओके, बट जब उन्होंने धीरे धीरे देखा उसके बदले में वो क्या बहुत ज़्यादा प्राइसेस देते थे एक कमोडिटी के लिए, बहुत ज़्यादा प्राइसेस देते थे इंडियन को, ओके, तो इन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होने लगी थी। तो उन्होंने क्या किया, जब वो लोग यहाँ से परचेस करके जाते थे इंग्लैंड में लेके जाते थे, तो उसकी ज़्यादा डिमांड होने लगी, देखने लगे लोग, अट्रैक्टिव होने लगे, तो फिर इंग्लैंड जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया अपने ही कंट्री में इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया और इंडिया से उनके रॉ मटेरियल को जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका रॉ मटेरियल सस्ते दामों में ले करके, ओके, वो इंग्लैंड लेके जाते थे और उनको मैन्युफैक्चर करके इंडिया में आकर उनको फिर से सेल करते थे और पूरे वर्ल्ड में भी सेल करते थे, उन कंट्री में भी सेल करते थे, ओके, तो उससे क्या है कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जो क्लोथ्स बना रही थी, यानी कि जूट और कॉटन से जो कमोडिटीज़ बन रही थी, उनकी डिमांड कम होने लगी। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते थे यहाँ से सस्ते दामों में रॉ मटेरियल परचेस करते और वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके इंडिया में आकर के और सस्ते दामों में बेच देते थे। पहले क्या करते थे महंगे दामों में बेचते थे, यानी कि इंग्लैंड की जो कम्युनिटीज़ जो बना के लाते थे उनकी प्राइसेस इंडियन की कम्युनिटीज़ से कम थी, मतलब कम कर दी लोगों ने, इतनी कम कर दी कि लोग फिर कम सस्ती चीज़ों को परचेज़ ज़्यादा करने लगे थे, ओके, तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगा इंडियंस जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या होने लगी ख़त्म होती चली जा रही थी, कॉटन इंडस्ट्री इफेक्ट होती चली जा रही थी, ओके, और अच्छे डिज़ाइनिंग वाले जो क्लोथ कम्युनिटीज़ यूज़ किए जा रहे थे मतलब इंग्लैंड से लेके आ रहे थे, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा इस चीज़ों का डेवलपमेंट नहीं था और इतनी ज़्यादा टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया जाता था, तो जो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इंडस्ट्रीज़ क्या होने लगी ख़त्म होने लगी। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्शन बिक ही नहीं रहा था इंडियन मार्केट में यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से जो मैन्युफैक्चर करके जो लेके आ रहे थे और इंडियन मार्केट में उनको सप्लाई किया जा रहा था, उसकी वजह से इंडियन जो कम्युनिटीज़ की डिमांड कम होने लगी और ब्रिटिशर्स कम्युनिटीज़ की डिमांड ज़्यादा, बिकॉज ऑफ दिस मतलब वो क्या थी चीपेस्ट कम्युनिटीज़ थी, सस्ती कम्युनिटीज़ थी, ओके, तो व्हाट कॉटेज इंडस्ट्री कैन बी सीन एट द विलेजेस लेवल इन द पीजेंट्स प्रेजेंट टाइम। आप देख सकते हैं कि जो विलेजेस एरिया में जनरली हम लोग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है, ओके, सस्पिशन अबाउट द रिफॉर्मर्स व्हेन विलियम बेंटिंक कम टू इंडिया लिबरल थिंकिंग वॉज गेटिंग ए स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंग्लैंड द वे ऑफ थिंकिंग स्लोली रीच्ड इंडिया द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्टिंग इन द लाइव्स ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया लॉर्ड विलिंग बेंटिंक become quite popular in India by the introducing new beneficiaries reforms during his time India started getting the job in company administration. India were allowed to use their mother's tongue in the court of law. Raja Ram Mohan Roy and other social reformers were constantly making effort to stop the evil practice of Shakti. Bentinck agreed to these effort and the pass a law in 1829 to ban the practice of Shakti. It means जो एक king मतलब sorry king नहीं बोल सकते मतलब England का एक person था वो वहाँ से आया, उसका नाम था William Bentinck, okay, तो उसने क्या किया Bentinck okay, तो वो थोड़ा सा लिबरल था और सोचता था कि अगर रूल करना है तो उन लोगों के साथ थोड़ा सा मिलजुल के चलना पड़ेगा, तो इंडियंस पर्सन्स जो जिस चीज़ के लिए मतलब मना करते थे उस चीज़ के लिए वो हाँ कर देता कि हाँ ठीक है, मतलब मना इन द सेंस अगर वो ये कह रहे हैं कि इंडियंस के ये वाली लैंग्वेज का यूज़ होगा तो उसका सपोर्ट होता था कि हाँ ठीक है ये वाली लैंग्वेज का यूज़ होता था, थोड़ा सा लिबरल मतलब उदारता टाइप का लोगों को समझना सोचता था इन चीज़ों को, तो कुछ चेंजेस भी देखने को मिले थे जब मतलब कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर अगर देखा जाए तो जो लैंग्वेज का जो है मदर टंग लैंग्वेज जो है कोर्ट ऑफ लॉ में यूज़ हो इस तरीके से, तो
राजा राम मोहन रॉय और अदर जो मतलब रिफॉर्मर जो थे उन लोगों का भी उसमें था एफर्ट था, तो उसके साथ साथ इन इसका भी एफर्ट था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलिंग बैटिंग द इंग्लैंड रूल ट्रेड टू द इरेडिकेट द सोशल इविल्स एज पर द विल ऑफ द सोशल रिफॉर्मर द आउटबॉक्स क्लास विटनेस दीज द रिफॉर्म बिल सस्पिशियस द कंपनीज हैड द पास रिजोल्यूशन टू स्पेंड ऑन द लेक रुपीज every year on education but it was not implemented. Finally education committee was formed during the time of betting in the year 1834. Lord Macaulay threw up the introducing English education in India. However the educational methods advocated by the Macaulay could not be the benefit the youth. Indian lost the advantages of the acquiring the ancient knowledge and skills developed by their इंसेक्टर्स इट मीन्स जो मतलब विलिंग बैटिंग जो था उसके टाइमिंग में एजुकेशन पॉलिसीज यानी कि एजुकेशन कमेटीज़ बनाई गई थी और वो जो एजुकेशन थी जो किसके बेसिस पे इंट्रोड्यूस की गई थी मैकाले के बेसिस पे इंट्रोड्यूस है लॉर्ड मैकाले जो था उसको इंग्लिश एजुकेशन उनका ऐसा मानना था कि जो एडवोकेट की जो स्टडी की जाती है या पढ़ाई की जाती है वो मतलब यूथ लोगों के लिए सही नहीं है ओके मतलब एजुकेशन मेथड जो एडवोकेट के लिए यूज होता था वो कहीं ना कहीं क्या नहीं है मतलब यूथ के लिए ठीक नहीं है मतलब ओके नॉट बेनिफिट ओके तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए एजुकेशन पॉलिसीज में वो उनका पर्पज़ होता था। देखिए मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिशर्स का एक पर्पज़ होता था कि वो इंडिया में अगर रूल कर रहे हैं तो उनको लैंग्वेज तो आती नहीं थी इंग्लिश मतलब इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी और ब्रिटिशर्स को हिंदी नहीं आती थी हिंदी पढ़ते थे ऊपर मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो हिंदी को नहीं जानेंगे तब तक ट्रेड नहीं कर सकते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं इंडियंस को समझ में नहीं आ रहा इंडियंस क्या कह रहे हैं ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आ रहा तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी इस तरीके की कि अगर हमें यहाँ रूल करना है तो हमें इंग्लिश ऐसे मतलब यहाँ इन्हीं लोगों को इंग्लिश सिखाना पड़ेगा जिससे हम ईजिली क्या हो सकें ट्रेड कर सकें भाई बातचीत करेंगे बोलेंगे बातें करेंगे तो ईजिली ट्रेड कर सकेंगे डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी इनको फिर तो यहाँ पे उन लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन देना प्रोवाइड कर दिया जिसकी वजह से क्या है कि लोग जब इजीली लोगों से ये क्या कर सकेंगे फिर काम करा सकेंगे ओके और इजीली रूल कर सकेंगे फिर जैसा वो चाहते हैं ओके तो इस तरीके से इजेंट इट नाउ द मेथड ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वॉज अपोज बाय द नंबर ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड महात्मा गांधी कॉल्ड इट इज़ द गुड गिव मिलियन इन नॉलेज ऑफ इंग्लैंड टू is to the enslave them that by the receiving English education we have enslaved the nation later the three universities were established in 1857 the Britisher could get educated workforce due to the introducing of English education alongside it also developed nationalistic thinking among the educated Indians. Many machines were invented to facilitate the industries, transportation, communication. Considering the convenience in the running administration and the strategic importance for the military, the British introduced the railway in India. ओके तो इसमें जो उन्होंने जो बताया है उनमें ये बताने की कोशिश की गई कि इन जो इंग्लिश लैंग्वेज का या इंग्लिश एजुकेशन का इन्होंने क्या किया अपोज़ किया गांधी जी का एक नारा था उसमें उन्होंने बताया जैसे टू गिव मिलियंस नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज टू द एनस्लेव देम तो इनका क्या था नारा था उन्होंने मतलब एक तरीके से अपोज़ किया इस चीज़ों का क्योंकि भाई एक तरीके से हमारे इंडियन कल्चर को वो क्या कर रहे हैं छीनते ले जा रहे हैं ओके चेंज कर रहे हैं एक तरीके से और वो ऐसा चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी कुछ टाइम के बाद उन्होंने जो है तीन यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया उनका मतलब कब किया था 1857 में उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था और इंग्लिश एजुकेशन को इम्प्लीमेंट भी कर दिया था मतलब सिखाने लग गए थे ओके और कुछ उन्होंने एक ही सेक्टर में वर्क नहीं उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में भी वर्क किया मतलब किनने ब्रिटिशर्स ने ईजिली और इंडस्ट्रीज़ को भी इस्टेब्लिश उन्होंने यहाँ पर किया उन्होंने सिर्फ अपने बेनिफिशियर के लिए यूज़ कर रहे हैं वो ओके और अब हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया क्यों क्योंकि उनको ज़रूरत है
तो जिन जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत थी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बाद में इंडियंस के लिए बेनिफिट होगा या क्या होगा, उन्होंने से अपने यूज़फुल के लिए उन्होंने जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उन्होंने वो चीज़ें मतलब बनवा दी इंडियंस में। जैसे रेलवेज़ का उन्होंने मतलब रेलवेज़ बनवाई, उनका रेलवे का रीज़न क्या था कि उनको जो है रॉ मटेरियल को इंग्लैंड ले जाने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सी पोर्ट पाथ मतलब इंडिया में जो रॉ मटेरियल है जैसे गुजरात है, तो गुजरात में जो राजस्थान या मध्य प्रदेश बॉर्डर पर मान लीजिए किसी जगह पर रॉ मटेरियल कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है, लेकिन उसको सी पोर्ट तक ले जाने के लिए क्या है भाई ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने रेलवे का क्या किया, उन्होंने फॉर्मेशन किया, बनाया रेलवेज। ओके, तो उन्होंने अपने अपने जो ईजी मतलब उनके लिए जो दिक्कत ना हो प्रॉब्लम ना हो उनको उनको उन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन किया। इजेंट इट इट मीन्स हर चीज़ के लिए उन्होंने एक ईजी वे ढूंढा जो उनके लिए यूजफुल हो। उन्होंने इंडियंस का बेनिफिट नहीं देखा, उन्होंने खुद का बेनिफिट देखा। ओके, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया स्टार्टेड बिटवीन द बॉम्बे यानी कि ये मुंबई एंड द थाने इन द ईयर 1853। मतलब ये फर्स्ट रेलवे स्टार्ट की गई थी बॉम्बे टू थाने 1853 में, और तकरीबन 35 किलोमीटर इसको माना जाता है, इसका जो डिस्टेंस है 35 किलोमीटर तक पहली ट्रेन चलाई गई थी। ओके, इन ऑर्डर टू द मेंटेन ऑफ द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द कंट्री एंड द एक्सचेंज मैसेजेस विद द नेबोरिंग टेरिटरीज, मॉडर्न मेथड ऑफ द पोस्ट एंड द टेलीग्राफ वर द इंट्रोड्यूस इन द 1854 CE, प्रिंटिंग प्रेस एंड द सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज पेपर ग्रोइंग अलोंग साइड। इसमें कुछ चीज़ों का और भी डेवलपमेंट होता चल गया, जैसे पेंटिंग या अदर चीज़ों का। ओके, तो उसमें वही चीज़ें बताने की कोशिश की गई है, जो कुछ कुछ टेरिटरीज थी नेबरिंग टेरिटरीज जो थी उनके साथ भी लोगों इन्होंने क्या किया, एक मैसेज कुछ चीज़ों एक्सचेंज किया, उनको मतलब कन्विंस किया मतलब दिखाया। ओके, दीज रिफॉर्म्स वर एक्चुअली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बट इट इज़ टर्न आउट टू बी ए ब्लेजिंग इन अ डिसगज फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। द क्लास दैट द एक्वायर्ड द इंग्लिश एजुकेशन स्पेयर हेडेड द सोशल रिफॉर्म एंड द नेशनलिज्म इन इंडिया सिंस दे वर मोर फेमिलियर विद द कॉन्टेम्परेरी डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड अराउंड द पोस्ट एंड द टेलीग्राफ ब्रॉट पीपल्स क्लोजर। देखिए, जो ब्रिटिशर्स ने आप देखेंगे सोशल एरिया में भी किस तरीके से इफेक्ट हुए, इकोनॉमिकली भी देखा, रिलीजियसली भी देखा। ओके, तो और उन्होंने जो अपने लिए इजी वे बनाने के लिए कई तरीके का उन्होंने कुछ चीज़ों का यूज़ भी किया वो भी हमने देखा, जिसमें वही बताया कि ओवरऑल अगर बात करी जाए तो एजुकेशनल चेंजेस किए, कुछ रिलीजियस चेंजेस किए, कुछ सोशल चेंजेस किए, कुछ इकोनॉमिकल चेंजेस किए। ओके, और धीरे धीरे एक तरीके से उन्होंने एक जो बोलते हैं ना कि रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म किया, सोशल रिफॉर्म किया और नेशनलिज्म यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ द लीडर्स हु हेल्प इन द अराउजिंग नेशनलिज्म आफ्टर एक्वायरिंग इंग्लिश एजुकेशन। तो आपको इसके बारे में लिखना है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करना है और एक्सरसाइज भी दी गई है। जैसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पीजेंट एंड अदर ऑफ द ब्रिटिशर्स टाइम, तो आपको इसमें डिफेंस करना है। व्हाट रिफॉर्म एंड इंट्रोड्यूस बाय द विलियम बैटिंग इन इंडिया, तो इसको भी बताना, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। ओके, नाउ एक्सरसाइज दी गई है, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज के, आपको देखना है इस क्वेश्चन को, बस इनके आंसर्स लिखना है। व्हाट कम्युनिटीज वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, कौन सी कम्युनिटीज थी जो इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती थी उनके नाम लिखना है ना, या क्या कम्युनिटीज थी जो इंडिया से क्या की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, तो आपको उनके नाम लिखना है। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट रिफॉर्म वर डन बाय द विलियम बैंटिंक इन इंडिया, क्या विलियम बैंटिंक द्वारा जो है किया गया था चेंजेस यानी कि रिफॉर्म किए गए, तो वो आपको बताना है। व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टिंग द फैसिलिटी ऑफ रेलवे पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो ये जो है इस एरिया में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, डेवलपमेंट किया किन किन चीज़ों में, रेलवेज में भी, पोस्ट और टेलीग्राफ। ओके, क्लियर? हु अपॉइंटेड द कलेक्टर टू कलेक्ट द रेवेन्यू, किसको अपॉइंट किया गया था कलेक्ट करने के लिए, कलेक्टर को। ओके, उसके बारे में बताना, किसको किया गया था। हु बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती, तो किसने बैंड किया इसको, प्रैक्टिस ऑफ सती को। तो ये क्वेश्चन बड़ी इजी क्वेश्चन हैं, इसको कंप्लीट करिएगा।
और कंप्लीट करके अपनी फेयर कॉपी में कब लिख के और चेक करा लीजिएगा। ओके क्लियर इज़ इट। नाउ थैंक यू सो मच, वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।